ज्यादा जल रहा है ये। ये अच्छा वाला है ना, इसलिए जल रहा है। ये आपकी पैलेट, ये कुछ ज्यादा ही साफ नहीं है आपकी पैलेट? और गले में नहीं लगाएंगी? थोड़ा चुप बैठ जाओ तो कर ले। अच्छा चलिए, अब हम नहीं बोलेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद आज मैं जा रही हूँ वॉश मेकअप कराने के लिए, क्योंकि आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी वॉश मेकअप। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज कर ही देती हूँ। और जा रही हूँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं पार्लर, मिलते हैं आपको पार्लर में। तो आप क्या लेंस मिलेगा या फिर आप हमें दिला देंगे? लेंस तो नहीं है मेरे पास, आपको देने ही पड़ेंगे। हम लेंस लेकर आए, लेकिन मैंने सोचा था कि न्यू लेंस आप से ले लेंगे। हमारे पार्लर में लेंस नहीं लगाए जाते। चलिए अच्छा ठीक है, मैं जो लेकर आई हूँ मैं दे दे रही हूँ। निकल ही नहीं रहा है ये, तो मेरी उंगली ही में रह जा रहा है। निकला, निकल आया। कैसे लेंस लाई हो जो उंगली में चिपके जा रहे, निकल ही नहीं रहे। ये बहुत महंगा वाला लेंस है। काहे का महंगा? ब्राइडल तैयार करती हैं आपके यहाँ तो लगता ही होगा ना? नहीं, ब्राइडल लगाते हैं पर हम नहीं लगाते, लड़कियाँ लगाती हैं। तो आप क्या करती हैं? हम देखते हैं, हम बड़े हैं ना। तो आज लड़कियाँ कहाँ हैं? वो फ़ोन करके बुलाना पड़ता है इनको। तो यहाँ पे बहुत गड़ रहा है आशीर्वाद ना, हम अपना सोल्यूशन लेके नहीं आए थे, इस वजह से मुझे लगा पार्लर में होगा सोल्यूशन, लेकिन नहीं था। अब आप क्या लगाने जा रही हैं? हम टोनर लगाएंगे। कौन सी कंपनी है ये? हर्बल की है। चलिए ये टोनर एक स्ट्रेंजर, बहुत ज़्यादा जल रहा है ये। अरे ये अच्छा वाला है ना, इसलिए जल रहा है। अच्छा वाला जलता है? फिर स्किन के अंदर जाएगा तो जलेगा तो ही। भैया ये बहुत ज्यादा जल रहा है, इसे जल्दी से बहुत ज्यादा। अच्छा पोंछ देगा। ये किससे पोंछ रही हैं आप? ये साफ कपड़ा है मेरे पार्लर का। आप क्या वो नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है? टिश्यू नहीं यूज करते। ये इतना सारा मॉइस्चराइजर लगाया जाता है? अब अच्छे से लगना है तो मॉइस्चराइजर। हम लेंस हटा रहे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा गड़ रहा है। आप ये देखिए, आंखें लाल हो रही है मेरी। तुम्हारे लेंस ही खराब था, मैंने तो पहले ही कही थी। लेंस खराब है? ये लेंस नहीं खराब है, आपके यहाँ सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन रखना चाहिए ना आपको, ना आपने लेंस रखा है ना सोल्यूशन रखा है। आपको पता है हमें कैसा मेकअप कराना है? अरे हम तो भूल ही गए। दिखाओ भैया, फिर से दिखाओ मेकअप तुम्हारा। ये यही वाला मेकअप है ये? इसमें क्या है, ये तो बस काला ही काला करना है। इसको स्मोकी आईज कहते हैं। वैसे हमने बड़ा नाम सुना आपके पार्लर का। नाम तो है। बैठ जाओ तो कर ले। हम क्या कह रही हैं? थोड़ा चुप बैठ जाओ तो कर ले। अच्छा चलिए, अब हम नहीं बोलेंगे। ये कौन सा फाउंडेशन लगा रही हैं आप? ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, हमने ऑनलाइन चाइना से मंगाया है। चाइना से मंगाया? हाँ, ये तो यहाँ पे भी मिलता है, हमने सुना है। देखा होगा मोबाइल पे चाइनीज लोग लगाते हैं, एकदम गोरे हो जाते हैं। तुम भी गोरी हो जाओगे। तो क्या हम काले दिख रहे हैं आपको? काली नहीं हूँ, फिर भी गोरी हो जाओगी थोड़ा बहुत। वाटर प्रूफ है ना ये? हाँ वाटर प्रूफ ही है भैया। चलिए दे दें। नहीं, लिख के ना दीजिए आप। चलिए इतना सारा लगाएंगी? तभी तो गोरी दिखोगी बहन। तो गोरी दिखने के लिए इतना सारा फाउंडेशन लगता है क्या? अब जाहिर सी बात है, तुमको वाटर प्रूफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब लगाना तो पड़ेगा ही। ये आपने मास्क की तरह लगा दिया एकदम। इसको जब स्किन में मलेंगे हाँ। तब वो अंदर चला जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? पता भी नहीं चलेगा। अंदर भी चला जाएगा फाउंडेशन? अंदर ही तो जाएगा, बाहर तो निकलेगा नहीं। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है क्या? ये है तो ये क्या है? इसको स्पंज, ये तो स्पंज है। अरे हो जाता है काम इससे भी। अच्छा आप ब्राइडल सजाने जाती हैं? हाँ जाते हैं। अच्छा वाटर प्रूफ मेकअप करनी है आप? हाँ वाटर प्रूफ ही हम कर देते हैं। वाटर
प्रूफ मेकअप मेरा फेमस है। अच्छा, कहीं भी पूछ लो। अच्छा, देखो गोरी हो गई। कुछ ज़्यादा नहीं गोरे हो गए? अब सबको ज़्यादा ही तो चाहिए रहता है, तुमको कम चाहिए तो हम क्या करें? पाउडर लगा रही हैं। पाउडर? कंसीलर नहीं लगाएंगी? अरे वो ऐसे वहाँ अच्छा वाला फाउंडेशन है तो कंसीलर की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये अब ये सेट हो गया आपका? ये नहीं नहीं अभी पाउडर से सेट करेंगे। अच्छा, ये कहाँ से पाउडर मंगाया आपने? अरे ये मिल जाता है, अब नहीं छूटेगा, ये पाउडर से सेट कर दिया है। हाँ, अब जो हाथ से हो रहा था हाँ अब नहीं छूटेगा। अब देखो चेहरा कितना ग्लोइंग दिख रहा है। और गले में नहीं लगाएंगी फाउंडेशन? गले में नहीं लगाएंगी? लगा देंगे, लास्ट में लगता है। अच्छा, ये आपकी पैलेट ये कुछ ज़्यादा ही साफ नहीं है आपकी पैलेट? अरे इतने मेकअप करते हो तो गंदी तो हो ही जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको मेकअप सीखना है ना, तो हम इसी को देख देख के कोर्स कर लो मेरे पास आके। कोर्स कर ले? हाँ। कितना लेती हैं आप कोर्स का? ज़्यादा नहीं लेते, बस 10,000। 10,000 रुपये? हाँ। अच्छा मेकअप आ जाएगा? ऐसे देखने तो थोड़ी ना आता है, मेकअप के वीडियो बना लो देख लो और तुम्हें आ जाए तो थोड़ी ना होता है। अब आप आई मेकअप करने आ रही हैं, एक बार फिर से दिखा दें आपको आई मेकअप? हाँ दिखा दो, हम भूल गए। लाओ मेरा फोन दो। ये वाला है? अच्छा, ऊपर लाल है, नीचे काला है, साइडों में सफ़ेद कर दिया है। आईब्रो नहीं बनाएंगी? अरे वो बाद में बनती है बिटिया। अच्छा। बहन तुम बोलती बहुत हो। याद है ना आपको कैसे लगाना है? हाँ याद है, ऊपर लाल था नीचे काला था फिर साइडों में सफ़ेद था। अरे तुम्हें चाहिए जो मिल जाएगा, बस चुप बैठो। ठीक है, आपके पास वो गोल वाला ब्रश नहीं है क्या? नहीं वो तो नहीं है, यही ऐसी से हम करते हैं, इससे अच्छा होता है ना यूँ सीधा सीधा। अच्छा, उससे कहाँ मलते फिरेंगे। अभी इसके ऊपर से जो वो चमकीली लगा देंगे। ठीक है, चमकीली काली लगाएंगे ना, उसमें काली चमकीली है। काली भी लगाएंगे, सफ़ेद साइडों में सफ़ेद लगी है उस पर, तो बीच में तो काला लगाएंगी ना? साइडों में तो सफ़ेद लगेगी। साइडों में तो हम लगा देंगे लेकिन बीच में आप काला लगाएंगी ना? हाँ, अगर कोई और हो मेकअप कराने वाला तो बताना, कर देंगे। पहले आप मेरा तो अच्छा करिए। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं अभी तक तो अच्छा हुआ, आप पूरा लुक देखें कैसा आएगा। देखो एकदम वही लुक आ रहा है। हाँ आ तो रहा है वही लुक, लेकिन आपने बीच में जो वो काला काला था चमकीली वो नहीं लगाया आपने? काला ना लगाओ, अच्छा नहीं लगेगा। अरे आप एकदम ऐसा ही करिए ना जैसे हमने आपको दिखाया है। अरे काला मेरे पास था पर ख़त्म हो गया। तो ये बोलिए कि ख़त्म हो गया, कहो तो सफ़ेद ऊपर कर दे चमकीली अच्छी लगेगी, ऐसी बात नहीं है। या गोल्डन कहो तो कर दे, फिरोजी। गोल्डन ही कर दीजिए, क्या करना है। आप क्या करने जा रही हैं? आप तुम्हारी आईब्रो सही करेंगे। काजल से सही कर रही हैं आईब्रो? काजल ही से तो होती है, तो मैं नहीं पता। अलग से आईब्रो आती है ना? नहीं नहीं काजल ही से होती है। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं काली हो गई है? ज़्यादा कहाँ है, जब काली होती है तभी तो अच्छी लगती हैं। या आपने आईब्रो कुछ ज़्यादा ही चौड़ी बना दी, इसको थोड़ा सा पतला करिए। बड़ी दिक्कत है, पतला भी करना है। आपको लग रहा है ये अच्छी आईब्रो? हमें तो कहीं से नहीं लग रही है अच्छी है ब्रो। आपको पतला करे दे रहे, आपको टिश्यू पेपर रखना चाहिए, ऐसे कपड़े से नहीं साफ करना चाहिए। तो आप इससे मल रही हैं, अब आपको पता है देखो सही फाउंडेशन छूट जाएगा। देखो अच्छी लग रही है, शेप आ गया बिल्कुल। आपको नहीं लग रहा है यहाँ यहाँ से फाउंडेशन निकल गया, ये कुछ ज्यादा ही गाढ़ा हो गया। लगा दे रहे अभी, लगा दे रहे तुम करोगी जब तुम्हें समझ में आएगा। अब आपको नहीं लगता कि आई मेकअप छिप जाएगा? नहीं नहीं छिपेगा, ये आप जो अलग से कर रही हैं हमको लग रहा है ये आई मेकअप छिप जाएगा। नहीं छिपेगा, हमको ट्रेनिंग है भैया। ये देखिए ये वाला कुछ ज़्यादा ऊंचा हो गया, ये वाला कुछ ज़्यादा नीचे हो गया है, तो वो भी नीचे करेगा। ये लीजिए, ये भी आपने ख़राब कर दिया। अरे बड़े मसले हैं भैया, देखो अब सही है। अरे हम शेडो लगाए दे रहे हैं ना ऊपर, अब कैसा लग रहा है इसको? जैसे पहले जैसा आपने किया था वैसे कर दीजिए। हाँ देखो कर तो दिया, इधर वाला भी कर दीजिए। आप क्या करने जा रही हैं? लाइनर लगाने जा रहे हैं। क्या कर क्या रही हैं आप? अरे ये खुल नहीं रहा है, जाम पड़ गया है थोड़ा, खुल गया। हंसो ना, हो जाता है कभी कभी।
हाँ तो कौन सा लाइनर चाहिए? लकीरों वाला? हाँ लकीरों वाला बना दीजिए। लकीरों मतलब तो नोक वाला जो होता है। हाँ हाँ समझ गए, वो बना दीजिए। देखो नहीं सही है, सही है। ये क्या लगा दिया आपने? अरे वो भी सही हो जाएगा, तुम बहुत बोल रही हो। नीचे करो, ऊपर करो। अरे ऊपर करो, नीचे करो। नीचे वाले में कैसे लगाएंगी? लग तो गया। एक साथ दोनों में लग गया। हाँ देखो देखो खड़ी हो गई। पलक खड़ी करने से याद आया कि आप मेरी नाक खड़ी करेंगी? कर तो देते पर असल में जो है वो दुल्हनों के लिए रखते हैं। दुल्हनों का मेकअप महंगा होता है तो उसमें लगाते हैं। अब 1000 में क्या लोगी? अब नाक भी खड़ी सब कुछ यहीं कर देंगे तो उसमें दुल्हन में क्या बचेगा? फिर फर्क क्या रहेगा दुल्हन में और तुम में? थोड़ा कर दीजिए। 5000 वाले मेकअप में और 1000 वाले में फर्क क्या रह जाएगा जब सब तुम्हारे ही कर देंगे? पर आप 1000 कहाँ ले रहे हैं, आप तो 1500 रुपए ले रही ना। अच्छा चलिए थोड़ी तो कर दीजिए क्योंकि ये नाक बहुत ज्यादा मेरी। 100 रुपए बढ़ा दो तो कर देंगे। ये नीचे आप नहीं करेंगी क्या? अरे लगाएंगे काजल लगाएंगे। रुको लगाए, एक बार आप फिर से देख लीजिए उसमें नीचे मतलब काजल काले ही था, हमने देख लिया है उसमें काजल। अरे आराम से ब्लश जो पाउडर वाला। समझ गए, ऐसी बात नहीं है। नहीं है क्या आपके पास? वो जो है अभी तुम्हें बताया तो ब्राइडलों के यूज करते हैं वो, ये भी वही, वो उससे अच्छा ये जो है वाटर प्रूफ वाले में यही काम आती है। लिपस्टिक से? हाँ इससे जो है छूटेगा नहीं तुम्हारा, लगा रहेगा। आपने कंटूरिंग तो मतलब नाक गाल खड़ा नहीं किया और बाद में होता है। ब्लश पहले लगता है वो बाद में होता है। हाँ इसी से होता है खड़ी। तुम आना तुम्हें सिखाएंगे। अच्छा जब देखना सही से करिएगा ऐसा ना कि लोग। वो खड़ी हो गई है। हाँ अच्छा गिलो आया है। गिलो इससे आता है? नहीं मतलब जो है वो मतलब खड़ी हो गई तुम्हारी। अच्छा ये ब्रश इसीलिए होता है। अच्छा नीचे क्यों कर रहे हैं? साइडों से भी तो खड़ी करेंगे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे लग गया, खराब हो गया। अरे वो हम सही कर देंगे। ये सही करिए। ये आपने ना कुछ ज्यादा इधर उधर लगा दिया, देखिए सफेदी जो थी वो चली गई है, इसको थोड़ा सही तो कर। लाल लाल तो है ना, रुक जाओ सही कर। अभी क्या क्या बचा है मेकअप में? बहुत देर हो रही है हमको। बस लिपस्टिक बची है बस, जल्दी से कर दीजिए। और ये नहीं लगाएंगी आईलैशेस? नहीं लगाएंगी उसका अलग से पड़ेगा, पहले सुन लो। उसका भी अलग से पड़ेगा? हाँ उसका भी चार्ज अलग ही से पड़ता है। सब ब्राइडल के होता है वो, सब दुल्हनों को तैयार करते हैं। सब कुछ पार्टी में दे देंगे तो क्या होगा सोचो, हर कोई फिर वही ना करा देगा। ये कौन सी कंपनी की प्लक है? प्लक क्या होता है, लैशेस कहो। आई लैशेस मतलब कौन सी कंपनी की है? अरे बहुत अच्छी कंपनी के नाम हमें याद नहीं, बड़ी बड़ी हैं। देखो देखो। हाँ चलिए कम से कम आपने लगा तो लिया है लैशेस। अब आता है ट्रेन है, ऐसे ही थोड़ी ना पार्लर खोले बैठे हैं। हाँ ये बात क्या समझो, अब तुम आई हो सुनी क्या आई हो तारीफ। हाँ ये बात ऐसे ही तो आई नहीं हो। अब हम सोच रहे हैं आपका एड्रेस सबको बता दें। हाँ बता देना। चलिए हो गया मेकअप। हाँ रुको तो वो फिक्सर तो डाल दे, एकदम वाटर प्रूफ हुआ है। अरे तो एक ही तरफ डाले, इधर भी डालिए। मुंह भी धो लोगी तो भी नहीं निकलेगा। अभी हम सोच रहे धुल ही ले। कान की पलक निकल गई आपकी। लटकी है। निकल जाएगी फिर लग जाएगी। ऐसा ना हो कि पार्टी में हमारी निकल आए। नहीं नहीं 24 घंटे की गारंटी है। गारंटी है? हाँ बढ़िया लग रहा है, पूरा लग रहा है। चलिए गर्दन में तो आपने लगाया ही नहीं। ओहो अरे तो दुपट्टा ओढ़ लेना। वाह 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 दुपट्टा ओढ़ लेना मतलब गर्दनों का भी दुल्हनों ही का करते हैं हम लोग। अच्छा ऐसे जो नॉर्मल आती हैं उनका सिर्फ मुंह का करते हैं और क्या, गर्दन का भी करें सबका करें।
फोटो खींच रहे तुम्हारा, बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या मैं सचमुच बदल गया हूँ? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसा हमने दिखाया था आपको आई मेकअप वैसा नहीं क्या हुआ। क्या करें, तुम्हारा नसीब काला ग्लिटर ही नहीं था। काला ग्लिटर नहीं था। चलो ठीक है, लेकिन ये आपकी आईलैशेस निकल रही है। अच्छा हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगे क्या? चार्ज लेते हैं अलग से, पर तुम्हारा नहीं। आप तो हर चीज का चार्ज ही ले रहे हैं। पलकों का भी कर लिया तो क्या आप चार्ज तुमसे ले। चलो कर दे। चलिए क्या बनवाओगी? पफ बना दीजिए अच्छा सा। हर कोई पफ भी नहीं बना पाता है। अच्छा और क्या? ये टेढ़ा हो गया पफ आपका? पफ तो टेढ़ा होता ही है भैया। ऐसा किसने कह दिया पफ टेढ़ा होता है? पफ सीधा रहता है। अब की बार जब आएंगे तो आप हमारा ऐसा मेकअप करिएगा जैसे आपके यहाँ लगा हुआ ये वाला, ऐसा मेकअप करिए। ऐसे मेकअप तुमने बहुत किए कर दिए। अच्छा चलिए ठीक है। ओके गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हो उन्होंने जो पफ बनाया था वो ख़राब हो गया, और ये उन्होंने मेकअप किया है। आप देख सकते हो मेकअप कैसा किया है, आईलाइनर छूट चुका है, मतलब कि मिट चुका है, और उन्होंने बोला ये बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ मेकअप है। और ये कुछ इन्होंने जो है मेकअप किया, मैंने स्मोकी आइज बोला था, उन्होंने ग्रीन आइज कर दिया है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये मेकअप, वॉस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। वैसे मुझे तो वॉस्ट ही लग रहा है। ठीक है, तो मुझे सच में इतनी प्रॉब्लम होती है ये वॉस्ट मेकअप कराने में, पार्लर ढूँढो, ये करो वो करो, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस। लेकिन ठीक है चलो, चलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है गारंटी दी है कि ये वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ है, तो चलिए आपको ये वाला वाटरप्रूफ करके दिखाती हूँ कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, और मैं लैशेज निकाल के अलग से यहाँ चिपका लूँगी ताकि मेरे किसी काम आ जाए। बहुत से लोग कहते हैं छोटे पार्लर जाती हूँ इसलिए ऐसा मेकअप होता है, बड़े पार्लर जाओ, लेकिन जो मीडियम लोग हैं जो इतना ज़्यादा नहीं पे कर सकते वो भी पार्लर जाके मेकअप कराते हैं, तो उनके साथ ऐसा मेकअप होता है, तो उनके लिए कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि पैसा भी चला गया, मेकअप भी अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे बस यही कहना है कि अगर आपके पास आपको मेकअप नहीं आता तो मत करो, मना कर दो। मैंने कई पार्लर गई तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा मेकअप नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।